बिहार कांग्रेस के राजनीतिक पुरोधा, साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस विधानमंडल दल के भी अध्यक्ष रहे, कहलगांव से 9 बार विधायक रह चुके सदानंद सिंह का आज 9 बजे निधन हो गया था। अभी अभी पार्थिव शरीर जो है भागलपुर कांग्रेस कार्यालय पहुंचा है, कांग्रेस भवन पहुंचा है। आप सीधी तस्वीर हम आपको भागलपुर के कांग्रेस भवन से दिखा रहे हैं। यहां पर एम्बुलेंस से पटना से शुभानंद मुकेश उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा पटना से यहां पर एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। यहां पर जो लोग हैं, जो नेता हैं यहां पर, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा। साथ ही साथ बता दें कि सभी पार्टी के, सभी भाजपा लोजपा साथ ही साथ राजद कांग्रेस सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, सभी श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि बिहार के राजनीति के एक युग पुरुष का अंत हुआ। जिस जगह हम मौजूद हैं, इस जगह भी सदानंद सिंह जी कई बार कार्यक्रम कर चुके थे और यहाँ के वो अध्यक्ष भी रहे थे भागलपुर कांग्रेस कमेटी के, साथ ही साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के भी वो अध्यक्ष रहे थे, बिहार कांग्रेस विधान दल मंडल दल के नेता भी रहे और बिहार विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे, राजनीतिक पुरोधा के रूप में जाने जाते थे। आप एम्बुलेंस से, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पटना से एम्बुलेंस पहुँची है और पार्थिव शरीर यहाँ पर उनका उतारा जाएगा, जिसके बाद सभी जो नेता हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हुए हैं। लाइव तस्वीर आप, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस भवन से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं सभी पार्टी के नेता हैं, जदयू भाजपा कांग्रेस राजद लोजपा सभी के नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कहा जा रहा है कि एक युग पुरुष का अंत हुआ है, बिहार के राजनीति के एक युग पुरुष का अंत हुआ है। सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सभी लोगों ने ट्वीट कर भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है इन्हें। आपको हम कांग्रेस भवन से तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। भागलपुर अभी अभी पहुँचा है एम्बुलेंस के जरिए, इनका पार्थिव शरीर भागलपुर पहुँचा है। अजीत शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एम्बुलेंस में ही उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। वहीं यहाँ से फिर जो है कहलगांव इनके पार्थिव शरीर को पैतृक आवास पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद कल जो है 10 बजे के करीब इनका अंतिम संस्कार होगा। कई दिग्गज नेता, कई मंत्री और कई कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचेंगे कहलगांव और इनके अंतिम दर्शन करेंगे। कल 10 बजे के करीब इनका अंतिम संस्कार बताया जा रहा है, जैसा कि 10 बजे के आसपास इनका अंतिम संस्कार होगा। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कांग्रेस भवन से, आप भागलपुर कांग्रेस भवन से तस्वीर आप देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी हुई है। और फिर से हम बता देना चाहेंगे कि इनका पार्थिव शरीर जो है पटना से भागलपुर पहुंचा है अभी अभी भागलपुर कांग्रेस भवन, इसके बाद इनके शरीर को, पार्थिव शरीर को कहलगांव ले जाया जाएगा पैतृक आवास पर। रात भर वहां रहने के बाद कल जो है श्रद्धांजलि इनको देने के बाद कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर हम फिर दिखाना चाहेंगे काफ़ी संख्या में किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस भवन में भीड़ उमड़ी है। भागलपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी लोग पहुँचे हुए हैं, सभी दल के लोग, सभी दल के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं युग पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कल जो है इनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा कल कहलगांव में। हम कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा जी से बात करेंगे कि इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर, एक कहा जा रहा है कि युग का अंत हुआ, राजनीतिक युग का अंत हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, युग का अंत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बिहार में कांग्रेस का जो योगदान रहा है, कांग्रेस को जो मजबूती करने में उन्होंने काम किया, और खास करके भागलपुर जिला में हम लोग के अभिभावक के तौर पर थे। आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सबका आप चेहरा देख रहे होंगे, गमगीन है, क्योंकि इन्होंने एक 9 बार विधायक जनता ने चुना है। इन्होंने जिस कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है पूरे बिहार में, और इनका नाम तो पूरे देश में था। हम लोगों ने एक ऐसे नेता को खोया है जो ये काल का जो कहिए कि खींच के इनको ले गया, अभी इनको जाने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस को इनकी जरूरत थी। चलिए, कितने बजे इनका अंतिम संस्कार होगा कहलगांव? 10 बजे के आसपास हम लोगों ने रखा है क्रिमिनेशन का, और हम लोग सभी वर्कर्स वहाँ जाएंगे। और ये तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं कांग्रेस, जिला कांग्रेस कार्यालय में, चूँकि जिला उनका भी है, हमारा भी है, कितने लोग, अध्यक्ष लोग, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये, इनको अभी जाना नहीं चाहिए था, बिहार में इनकी ज़रूरत थी, लेकिन चले गए, भगवान का मंजूर है। लेकिन फिर भी उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे, और कल हम लोग सभी कहलगांव मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कल कहलगांव में 10 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और सभी दल के नेता वहां भी पहुंचेंगे, खासकर कई मंत्री जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे कहलगांव में इनका अंतिम दर्शन करने, और कल 10 बजे के करीब इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक आवास के बाद जो कहलगांव का घाट है वहाँ पर किया जाएगा। इनसे हम बात करेंगे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, क्या लगता है अंत हुआ है एक युग का, एक अध्याय का जो है अंत जरूर हुआ है, एक अध्याय का अंत हुआ है और ये जो अंत है इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के केवल लोग नहीं हैं, यहाँ पर हर एक दल के लोग जो है अपने नेता को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो है उपस्थित हुए, इसलिए आपको उनके सहज से जो है पता चलता है कि ये आदमी जो है जन जन के नेता थे, जन जन के नेता थे, और इनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी जो है। और हम लोग अब एक अपील से केवल जो है कांग्रेस जन से करते हैं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि उनके पद चिन्ह पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करें, बस यही जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, और कांग्रेस के सभी नेता जो कह रहे हैं कि इनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और यहां पर फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर है और सभी दल के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहां पर जैसा कि जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी दल के लोग यहां पर पहुंचे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सदानंद सिंह कितने सहज थे, इससे ही यहां पर और भी हम लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहां पर राजद के प्रदेश महासचिव हैं, इनसे बात करेंगे, एक अध्याय का अंत हुआ है राजनीति में। देखिए, सदानंद बाबू भागलपुर नहीं पूरे देश के चर्चित नेता थे और सादा जीवन, उच्च विचार के मायती थे, इनका सादगी जीवन रहा। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जो इन्होंने सदन चलाने का काम किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इन 9 बार विधायक रहना यानी लगभग 45 साल किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस में इनको राहुल जी, सोनिया जी सभी लोग का इतना प्यार मिलता था और इनके कंसेप्ट से ही बिहार की कांग्रेस की राजनीति चलती थी। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी दल के नेता जैसे पहुँचे हुए हैं, फिर से हम एक बार अंतिम बार आपको दर्शन कराना चाहेंगे। यहाँ पर एम्बुलेंस से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, वहाँ पर अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद कहलगांव में कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको अंतिम संस्कार की भी तस्वीरें कल कहलगांव से दिखाएंगे। लगातार अपडेट के लिए बने रहें। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। तो बोलता है।